आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो हमने कंपोजिशन फंक्शन पढ़े हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम उससे पहले एक बार कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है उसको हम रिकॉल करते हैं लेट एफ द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड जी बी द फंक्शन फ्रॉम सेट सी टू डी वेयर ए बी सी डी आर एम्प्टी सेट्स ठीक है देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक बार इसको डायग्राम की हेल्प से देखें ये सेट ए हो गया ये सेट आपका हो गया बी ठीक है ये फंक्शन जो था वो था एफ़ यहाँ पर हम देखें सी से डी सेट के ऊपर और ये जो फंक्शन डिफाइन था वो कौन सा था जी हम देख रहे हैं पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये जो फंक्शन है वो किस सेट से किस सेट के ऊपर जाएगा पहले ये देखना है हमने देखिए सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ x है तो ये हो जाएगा एफ g जी x मीन्स ये एक्स जो है वो जी फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है अब जी फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो जी फंक्शन में जो यहाँ पर एक्स लेंगे वो हमेशा जी फंक्शन की जो डोमेन सेट है वहाँ से लेते हैं जी फंक्शन का जो डोमेन सेट है वो है क्या आपका सी इसका मतलब जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो सी सेट से स्टार्ट हो रही हैं सो so, ये जो फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा सी से उसके बाद में मान लो यहाँ पर जी ओफ एक्स की वैल्यू कोई आई मान लो कि जेड आई एफ ओफ ये जेड आ गया अब ये जो फंक्शन है एफ वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है जेड के ऊपर अगर ये फंक्शन जेड के ऊपर वैल्यू देगा इसका मतलब ये जेड जो है वो फंक्शन एफ़ की डोमेन में एग्जिस्ट करेगा तो एफ़ की जो डोमेन है वो है क्या आपकी ए तो इसका मतलब हुआ क्या आपका कि भाई ये जो जेड है वो ए के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए अगर अगर ये एग्जिस्ट करती है कम्पोजिशन तो, तो ये एफ़ जेड जो है वो वैल्यू कहाँ पर आएगी वो सेट में आएगी बी में क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यूज आप लेते हो उनकी मैपिंग बी में जाती है तो अल्टीमेटली हुआ क्या एफ ऑफ जी जो फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ तक है सेट सी से बी तक ठीक है ये मैं कब कब कह रहा हूँ जब ये एग्जिस्ट करे तब की बातें हैं अब ये एग्जिस्ट कब करेगा देखिए एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं एक्स जो है वो हमें पता है सी से है मीन्स डोमेन ऑफ जी से है जी फंक्शन की जो डोमेन है वहाँ से लिया इसके बाद में ये जो जी ऑफ एक्स जो आएगा जेड जेड कहाँ पर आएगा जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल डी क्योंकि जी जो फंक्शन है वो सी टू डी है अब ये जो जेड है वो डी में आया और हम कह रहे हैं कि ये जो डी जो जेड आया डी के अंदर वो जेड जो है वो आपका ए के अंदर होना चाहिए तभी तो एफ़ जो है उस जेड के ऊपर अप्लाई होगा तो ये जो जेड है वो ए के अंदर भी होना चाहिए एंड जेड बिलोंगिंग टू एल्सो इसका मतलब हुआ क्या कि अगर कोई भी आपका जेड जो वैल्यू डी के अंदर आती है तो वो ये कंपोजिशन एग्जिस्ट करने के लिए वो जेड की वैल्यू आपकी कैपिटल ए में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए दैट इज़ ये होना चाहिए कि डी जो है वो सबसेट होना चाहिए ए का क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करता है देरफोर वी कैन इफ एफ ऑफ जी एग्जिस्ट देन डी मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए तो ये कंडीशन आ गई एफ ऑफ जी को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई जो जी की रेंज सेट है जी का रेंज सेट जो है वो एफ के डोमेन सेट का सबसेट होना चाहिए क्लियर है चीज़ें ऐसे अगर हम बात करें जी ऑफ एफ ये फंक्शन अगर एग्जिस्ट करेगा तो कौन से सेट से कौन से सेट के ऊपर एग्जिस्ट अप्लाई होगा वो हमने देखना है जैसे यहाँ पर हमने देखा सी से बी तक था यहाँ पर ले लेते हैं जी ओफ एफ ओफ एक्स कोई एलिमेंट ले लिया एक्स ये हो गया जी ओफ एफ एक्स अब ये जो एक्स है वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा है एफ फंक्शन के ऊपर अब एफ़ एक्स कोई वैल्यू आए ठीक है एफ कोई फंक्शन है एफ एक्स कोई वैल्यू आए तो ये एक्स कहाँ से कहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए एफ़ फंक्शन के डोमेन में मतलब कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए सेट ए में तो ये जो फंक्शन है वो ए से स्टार्ट होगा क्योंकि जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो हम एक्स वो हमेशा सेट ए से आएंगी फिर कहाँ तक जाएगा अब देखिए एफ एक्स आ गया एफ एक्स को हम नाम दे देते हैं सम वाई ठीक है अब ये वाई किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है जी फंक्शन के ऊपर अब जी वाई कुछ वैल्यू आए इसका मतलब ये है कि ये जो y है वो g की डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए ठीक है तभी तो जी वाई कुछ हमारे पास वैल्यू आएगी अगर y जो वैल्यू है y जो पॉइंट है वो g की डोमेन में नहीं होगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू हमारे पास निकल के नहीं आएगी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y है वो g की डोमेन में होना चाहिए अब ये जो जी वाई जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर बिलोंग करेगी देखिए अगर मान लो यहाँ पर y है तो g ऑफ y d के अंदर जाएगा वो मैपिंग तो हम कहेंगे ये जो जी ऑफ वाई जो है वैल्यू वो कहाँ पर जाएगी डी में इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फंक्शन जी ऑफ एफ था वो ए से लेके सेट डी के अंदर जाएगा अब हम ये देखते हैं कि जी ऑफ एफ को एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है ये तो हमने बता दिया अगर एग्जिस्ट करता है तो ए से डी पे एग्जिस्ट करेगा पर एग्जिस्ट कब करेगा वो कंडीशन हम यहाँ पर देखना चाहते हैं <coughs> देखिए अभी क्या है एक्स जो है वो सेट ए से लिया है तो एफ़ ओफ एक्स जो वैल्यू आई, जिसको हमने वाई नाम दिया वो वाई कहाँ पर बिलोंग करेगी वो आपकी वाई बिलोंग करनी चाहिए बी में क्यों क्योंकि अगर एक्स ए से लेते हैं उसके ऊपर एफ़ अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू बी सेट के अंदर जाएगी दैट इज़ वाई बिलोंगिंग टू बी फिर क्या है अगर जी ओ वाई है वो कोई वैल्यू आएगी ठीक है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो वाई कहाँ बिलोंग करना चाहिए सी के अंदर तो ये एम्प्लाई करेगा आपका वाई कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए सी सेट के अंदर तभी तो ऑफ वाई की वैल्यू डी में आएगी सो so हम यहां पर कह सकते हैं कि जब भी आप यहां पर कोई भी वाई की वैल्यू बी में लोगे ठीक है किसके कोरस्पोंडिंग इस एक्स के कोरोस्पोंडिंग तो वो वाई हमेशा सी के अंदर भी जाएगा तो ये इम्प्लाई करेगा आपका विच एम्प्लाईज बी इज अ सबसेट ऑफ सी क्लियर है और यहां पर क्या था डी इज अ सबसेट ऑफ ए तो जी ऑफ एफ़ को एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एफ़ का जो डोमेन एफ का जो रेंज सेट है ठीक है एफ का जो रेंज सेट है वो सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन सेट से क्लियर वही तो ये तो एग्जिस्ट कब करते हैं उसकी कंडीशंस थी अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सो so जो पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम कह देते हैं थ्योरम फर्स्ट वो तो क्या कहती है देखिए द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नोट कम्यूटेटिव दैट इज कह रहा है कि फंक्शंस की जो कंपोजिशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है second. The composition of functions is not commutative. That is, f of g is not equal to g of f. ये हमेशा होल्ड नहीं करता कभी कभी हो भी जाए नहीं तो नहीं करेगा ठीक है देखिए इसका प्रूफ देख लेते हम हमने लेट किया लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B, एंड g बी द फंक्शन फ्रॉम सेट B टू C। इन पर्टिकुलर हमने क्या लिया ये जो f की जो रेंज uh, सेट है और G का जो डोमेन सेट है वो दोनों हमने इक्वल ले लिया ताकि यहाँ पर यह क्लियर हो जाएगा कि ये इसका सबसेट है इसका मतलब यहाँ पर G ऑफ F जो है एग्जिस्ट करेगा देन इस तरीके से लेट किया है देन द फंक्शन G ऑफ F देन फंक्शन G ऑफ F एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट करता है बिकॉज क्यों इसका रीजन लिख देते हैं देखिए जी ऑफ एफ को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए एफ का जो रेंज सेट है रेंज सेट ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू बी दैट शुड बी कंटेन्ड इन या हम कहें दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन सेट ऑफ जी और वो भी आपका क्या है बी यहाँ पर बी इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई जी ऑफ एफ जो है वो एग्जिस्ट करता है बट अब बात आती है कि क्या एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा बट बट एफ ऑफ जी अब देखिए इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए बट एफ ऑफ जी एग्जिस्ट इफ एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा इफ रेंज ऑफ फंक्शन जी रेंज ऑफ फंक्शन जी दैट इज सी सबसेट हो किसका डोमेन ऑफ एफ दैट इज ए का बट दिस एग्जिस्ट इफ़ सी इज ए सबसेट ऑफ ए अगर सी सबसेट नहीं होगा ए का इफ सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए देयर फोर एफ ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है ये तो हो गई कंडीशन आपकी अब देखिए अगर जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है तो वो कहाँ से कहाँ तक है वो फंक्शन वो फंक्शन है हमारा ए से ले के और आपका सी तक और ऐसे ही अगर एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा बी से ले अप टू बी तक ठीक है अगर एफ ऑफ जी एग्ज़िस्ट करता है तो वो कहाँ से कहाँ तक है बी से ले कर बी तक इन पर्टिकुलर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर हम मान लेते हैं ए बी और सी तीनों इक्वल हैं दैट इज़ उस केस में जी ऑफ़ एफ जो है वो ए से ए तक एग्जिस्ट करेगा क्लियर ये चीज़ें क्योंकि हमने क्या कहा है ए और सी दोनों इक्वल है एंड एफ ऑफ़ जी ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा बी से ले कर बी तक कह दें पर वो ए के इक्वल है तो उस केस में आपका ए से ले कर ए तक ही आ जाएगा ठीक है हो गया क्लियर एक केस और है इसमें केस ये मान लेते हैं आपका केस फर्स्ट है ये केस सेकंड है अगर इफ़ हम कहें इफ ए इज़ इक्वल टू सी ओनली अब हम कह रहे हैं कि ए और सी इक्वल है केवल उस केस में जी ओफ एफ जो है वो ए से लेके ए तक रहेगा एंड एफ ओफ जी जो है वो फंक्शन रहेगा फ्रॉम सेट बी टू बी अब हमें इन दोनों केसेस में ये देखना है कि जी ऑफ f और एफ़ ऑफ जी हमेशा इक्वल नहीं होते पहले इस केस को देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे देखिए जी ऑफ f जो है उसकी वैल्यूज़ मतलब अगर हम यहाँ से एक्स कोई भी वैल्यू उठाते हैं ए से तो जी ऑफ f ऑफ एक्स वो कहाँ पर जाएगा ए में एंड एफ़ ऑफ जी ऑफ x अगर एक्स बी से उठाते हैं तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी बी में बट बट इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी then g of f is not equal to f of g। अगर a और b यहाँ पर equal नहीं है तो f of g और g of f कभी भी equal नहीं हो सकते क्योंकि g of f की जो भी values आएंगी वो a से आएंगी ठीक है और a में कोई ना कोई ऐसा element मिलेगा जो कि b में नहीं होगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि a और b equal नहीं है तो हमें a और b में ऐसे element मिल जाएंगे जो दोनों में common नहीं होंगे तो उस केस में जी ओ फफ़ की वैल्यू और एफ ओफ जी की वैल्यूज़ दोनों क्या रहेंगी डिफरेंट रहेंगी क्लियर है अगर आप देखिए इस केस को देखते हैं कि तीनों के तीनों अगर सेट आपके इक्वल हो जाते हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी एफ ओफ जी और जी ओफ एफ इक्वल रहेंगे हमेशा तो उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा इक्वल नहीं रहेंगे उसका एक एग्ज़ाम्पल देखना चाहते हैं लेट एस कंसिडर एन एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए है कि भाई एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ हमें शो करने हैं कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे कब वेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अभी हमने पीछे देखा था अगर ए और बी दोनों नोट इक्वल टू हैं तो इसका मतलब एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे अगर ये इक्वल हो भी जाते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ हमेशा इक्वल नहीं होते तो उस केस में मैंने एक एग्जाम्पल लिया लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एक्स स्क् एंड जी बी द फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस जी एक्स इज डिफाइंड बाई टू एक्स प्लस वन क्लियर है इतना अब यहाँ पर आप देखिए इस केस में ये ए का काम कर रहा है ये बी ये बी और ये आपका सी तो यहाँ पर इस केस में क्या है ए बी सी तीनों इक्वल हैं तो हम कह पाएंगे देयर फोर एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ बोथ एग्जिस्ट पहले तो ये दिखाना पड़ता है कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते तो यहाँ पर हमने देख लिया एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एफ़ ऑफ जी को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए था जी की का जो रेंज सेट है दैट इज़ आर दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन सेट ऑफ एफ और डोमेन सेट ऑफ एफ है क्या आर आर इज़ ए सबसेट ऑफ आर और वही केस आपका जी ऑफ एफ को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि भाई एफ़ का जो रेंज सेट है दैट इज़ रेंज सेट ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ द डोमेन सेट ऑफ जी ठीक है अब देखिए हम फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ जी f ऑफ जी ऑफ एक्स इम्प्लाइज दैट f ऑफ जी एक्स व्हिच इज़ इक्वल टू f ऑफ जी एक्स की वैल्यू है कितनी है हमारे पास टू एक्स प्लस वन अब इसको टू एक्स प्लस वन को थोड़ी देर के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ जेड ये हो गया f ऑफ जेड देखिए यहाँ पर है f ऑफ एक्स और ये हो जाता है एक्स का स्क्र अगर इसमें x को रिप्लेस कर दें z से अगर इसको यहां पर जेड लिखें तो यहां भी क्या आएगा जेड स्क्च एम्प्लाइज दिस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसकी हेल्प से आएगा जेड स्क्वायर, विच एम्प्लाइज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जेड की जो वैल्यू है वो क्या है टू एक्स प्लस वन और इसका क्या हो जाएगा यहां पर स्क्वेयर इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें अब देखिए जी ऑफ एफ ऑफ x, which is equal to g of f x हो गया ये होगा g of f x की वैल्यू है कितनी x square, which is equal to g of x square को थोड़ी देर के लिए y consider कर ले। ये है जी ओफ वाई हमें पता है कि g of x जो है वो equal है टू x प्लस वन अगर x को y से replace करें तो वहाँ पर हो जाएगा टू वाई प्लस वन विच इज़ इक्वल टू वाई प्लस वन विच इज इक्वल टू टू इन टू में और जो वाई की वैल्यू है वो कितनी है एक्स स्क् प्लस वन विच एम्प्लाईज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन ईयर वी कैन सी दैट जी ओफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ओफ जी ऑफ एक्स क्लियर है तो हमने दोनों केस देख लिया एक केस था हमारे पास कि भाई ए और सी तो इक्वल है बट ए और बी इक्वल नहीं थे वो केस अभी पीछे देख के आए हैं और ये दूसरा केस है ए बी सी तीनों क्या है इक्वल है ठीक है नेक्स्ट थ्योरम है The composition of functions is associative. The composition of functions is associative. ये हमने प्रूव करना है यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या हुआ? That is, if f, comma g, comma h Are three functions such that F of G of H and F of G of H exist, then F of G of H is equal to F of G of H. हमें क्या प्रूव करना है कि जो फंक्शंस की कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है आपकी एसोसिएटिव एसोसिएटिविटी इसी से प्रूव करते हैं इसका प्रूफ देखें या कहीं सोल्यूशन देखिए पहले तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तब इक्वल होते हैं तो पहले एग्जिस्टेंस के लिए हम इस तरीके से फंक्शंस को कंसिडर करेंगे कि आपकी कंपोजिशन एग्जिस्ट करे लेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर नॉन एम सेट्स ये हमने कंसीडर कर रहे हैं कि नॉन एम सेट्स हैं सच दैट सच दैट एच वि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी जी पी द फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सी एंड एफ वि द फंक्शन फ्रॉम सेट सी टू डी थ्री फंक्शंस क्लियर इतना विच एम्प्लाइज देखिए पहले हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ जी देखिए एफ ऑफ जी कहां से आएगा जी का जो जी का जो डोमेन सेट है आपका वो देखिए वो क्या है आपका यहां पर सी और ये फंक्शन रहेगा सी से डी और फिर सॉरी एफ ऑफ जी जो है बी कहाँ से है बी से एफ ऑफ जी जी फंक्शन है बी से सी सेट के ऊपर इसका मतलब बी की जो डोमेन सेट है वो क्या है आपकी बी बी से स्टार्ट होगा बी से सी पे जा रहा है फिर देखिए आगे फंक्शन एफ हो गया वो कहाँ से कहाँ तक है सी से डी पे तो अल्टीमेटली एफ़ ऑफ जी जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा बी से डी पे ठीक है अब इस पर हम अप्लाई करते हैं देखिए हमें अप्लाई क्या करना है अब एफ़ ऑफ जी ऑफ एच रहेगी अब अब हम लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा एच जो है वो फंक्शन देखिए ए से बी तक है तो एच की जो डोमेन सेट है वो ए है ए से स्टार्ट होगा इसके बाद में एफ ऑफ जी ये जो फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी से और यहाँ पर इसकी रेंज सेट बी थी तो दोनों इक्वल है तो अल्टीमेटली क्या हो गया आपके ए से डी तक therefore f of g of h exist ab अब हम karenge करेंगे कि f of g of f g of h भी exist करें now consider अब क्या consider करना है देखिए हमने यहाँ पर कंसिडर किया एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है आपका सी से डी पे एंड जी ओफ एच जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा पहले एच जो फंक्शन है उसको देखिए ए से बी तक है तो ये जो फंक्शन है वो ए से स्टार्ट होगा फिर ए से बी पे गया जी फंक्शन बी से सी पे जा रहा था अल्टीमेटली तो ये कहाँ जाएगा ए से सी पे नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एच ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा जी ऑफ एच इसके लिए डोमेन क्या है आपका ए फ्रॉम ए टू ये सी है एफ जो फंक्शन है उसके लिए ये सी किसका काम कर रही है डोमेन सेट का उसके लिए रेंज क्या है डी तो ये फंक्शन जो है वो ए से डी पे जाएगा देरफोर वी कैन दैट एफ ऑफ जी ऑफ एच एग्जिस्ट ठीक है अब क्या रह गया टू शो टू शो एफ ऑफ जी ऑफ एच दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच अब हमें ये शो करना है देखिए हमारा जो फंक्शन है पहले हम ले रहे हैं एफ ओफ जी ओफ एच ये फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है ए से लेके डी पे ठीक है और जो दूसरा फंक्शन था हमारा एफ ओफ जी ओफ एच वो भी कहाँ से कहाँ तक था ए से लेके डी के ऊपर हमें शो करना ही दोनों इक्वल हैं देखिए हम क्या कंसिडर करते हैं लेट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने कोई एक्स जो है इस ए से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया देर फोर एफ ऑफ जी ऑफ एच ओफ़ एक्स ये क्या रहेगा देखिए ये रहेगा एफ ओफ जी ओफ एच एक्स ठीक है अब जो एच जो फंक्शन था वो हमारा था ए से लेके बी तक ठीक है एच जो फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ तक था ए से बी तक इसका मतलब ये जो एच एक्स है इसको हम कह सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ वाई वेयर वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल बी क्योंकि जो आपका एच फंक्शन था वो सेट ए से लेके सेट बी के अंदर था तो एच ऑफ एक्स जो भी वैल्यू आएगी मान लो वाई आई तो वो हमेशा कौन से सेट में बिलोंग करेगी बी के अंदर ठीक है ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ वाई अब जो जी फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ तक था सेट बी से ले सेट सी तक अब ये वाई जो है बी में है मीन्स यहाँ पर भी है तो जी ऑफ वाई एग्जिस्ट करेगा और वो वैल्यू हम मान लेते हैं कि जेड आती है ठीक है तो ये जेड कहां पर बिलोंग करेगा आप देखोगे तो सी में बिलोंग करेगा विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड वेयर दिस जेड बिलोंगिंग टू सेट सी ठीक है अब हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इस तरीके से ठीक है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स that is f of g of h of x which is equal to f of g of h x which is equal to f of g of h x की वैल्यू अभी क्या ले रहे थे हम y that is f of g y की वैल्यू थी आपकी z और यहाँ पर जो z है वो कहाँ पर है Set C में so इसको अगर इक्वेशन स्टार नाम दें इसको इक्वेशन डबल स्टार नाम दें देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार वी हैव एफ ओफ जी ओफ एच इज इक्वल टू एफ ओफ जी ओफ एच और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूव करना था क्लियर है चीजें याद की थी थ्योरम सेकेंड मीन्स जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होती है वो हमेशा क्या रहती है आपकी एसोसिएटिव अगर एग्जिस्ट करती हैं तब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपोजिशन एग्जिस्ट ही ना करे तो उस केस में फिर हम कह ही नहीं पाएंगे कि वो एसोसिएटिव है कि नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है तब वो क्या होते हैं एसोसिएटिव होते हैं नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस बाइजेक्टिव का मीनिंग क्लियर है वन वन एंड एंड ओन टू बोथ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन ये कंपोजिशन जो है वो अल्टीमेटली आती एक फंक्शन ही है हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो कोई भी बाइजेक्टिव uh, फंक्शन है अगर आप उनकी कॉम्पोजिशन लेते हो तो वो भी क्या आएगी एक बाइजेक्टिव फंक्शन आएगी दैट इज़ किस तरीके से कह सकते हैं दैट इज इफ़ एफ एंड जी आर द टू बाईजेक्शन्स आर टू बाईजेक्शन्स देन जी ऑफ एफ इज़ ऑल्सो देन जी ऑफ एफ इज़ ऑल्सो बाईजेक्शन हमें प्रूव करना है इसका प्रूफ देखते हैं देखिए गिवन है हमें एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव फंक्शन फिर जी ऑफ़ एफ जो है वो हमें शो करना है कि भाई क्या रहेगा वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन रहेगा तो हम सबसे पहले लेट करते हैं लेट एफ द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड जी द फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सी देन जी ऑफ एफ एग्जिस्ट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एफ़ का जो डोमेन एफ का जो रेंज सेट है वो जी के डोमेन सेट का सबसेट है एंड जी ऑफ एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सी अब हमें शो करना है टू शो जी ऑफ एफ इज़ वन वन एंड ओन टू ये दोनों शो करने हैं सबसे पहले हम वन वन शो करना चाहते हैं इसको दैट इज़ इंजेक्टिव वन वन को आप इंजेक्टिव भी कह सकते हो हमें शो करना ये फंक्शन कैसा है इंजेक्टिव फंक्शन है उसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या होता है हम दो एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन सेट से लेट x, y बिलोंगिंग टू a b एनी एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स है हमारे पास सच दैट किस तरीके से कि भाई इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या रहती है आपकी सेम रहती है सच दैट g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू जी ओफ एफ ओफ वाई हमने दो एलिमेंट एक्स और वाई इस तरीके से लिए कि जी ओफ एफ ओफ एक्स और जी ओफ एफ ओफ वाई दोनों क्या है इक्वल विच एम्प्लाइज जी ओफ इसका मीनिंग हो गया एफ ओफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ओफ एफ ओफ वाई अब देखिए गिवन क्या था स्टार्टिंग में कि जो आपका जी फंक्शन है वो कैसा है बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव है इसका मतलब वो वन वन भी रहेगा सिंस जी इज़ बाइज गी वन है देयर फोर जी इज़ वन वन जी फंक्शन कैसा है आपका वन वन अब जी जो फंक्शन वन वन है तो वो किस कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा देखिए सेंस जी इज बाईज एक्टिव देर फॉर जी इज वन वन देखिए अगर जी वन वन फंक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है कि भाई जी ऑफ मान लो यहाँ पर जेड वन है विच इज इक्वल टू जी ऑफ क्या है यहाँ पर जेड टू अगर जी वन वन फंक्शन है तो जेड वन और जेड टू दोनों क्या होते हैं इक्वल यहाँ पर क्या गिवन था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल था जी ऑफ एफ ऑफ वाई क्योंकि जी आपका वन वन फंक्शन है तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों क्या है इक्वल है क्लियर है क्योंकि जी वन वन है इसलिए ऐसा आया है, अब, F ये भी है हमें देयर फोर एफ इज वन वन अब बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब वो वन वन है और अगर एफ वन वन है तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स और वाई दोनों क्या है इक्वल ठीक है सो सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्वल टू जी ओफ ओफ वाई इम्प्लाई करता है कि एक्स इक्वल टू वाई है देयर फोर जी ओफ एफ इज वन वन और वी कैन से इंजेक्टिव ठीक है अब हमें शो करना है कि जी ओफ एफ जो है वो आपका फंक्शन वो ओन टू भी होना चाहिए नौ टू शो ओन टू ओन टू और वी कैन से सरजेक्शन ये हमें शो करना है अब उसके लिए क्या करते हैं हमारा जो ये फंक्शन था जी ओ फफ वो कहाँ से कहाँ तक था जी ओफ एफ जो फंक्शन था वो हमारा फंक्शन था फ्रॉम सेट ए टू सी अब जीओ एफ को ओन टू शो करने के लिए क्या शो करेंगे इस सी से कोई भी एलिमेंट लीजिए उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए ए में ये हमें शो करना है नो लेट जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल सी बी एन ई आर्बिट्रेरी एलिमेंट अब हमने ले लिया जेड जो है वो कैपिटल सी से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है हमारे पास ठीक है ना नाउ देखिए एफ जो फंक्शन था हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक था ए से लेके बी तक ठीक है जी जो फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ तक था हमारे पास बी से लेके सी तक अब अगर आपका जेड जो है वो कैपिटल सी में एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास इस केस में देखें तो कोई ना कोई एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स सच एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए आपका जेड अब क्योंकि जेड जो है वो सी में है और यहाँ पर देखिए जी जो बाइजेक्टिव फंक्शन था मीन्स वो ऑन टू भी था तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जेड के कोरस्पोंडिंग बी में आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिलेगा आपको नाउ सिंस जी इज ऑन टू ये गिवन है सिंस जी इज ऑन टू देयर फोर देयर एग्जिस्ट सम वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड मतलब हमें कोई ना तो 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 कोई बी के अंदर एलिमेंट मिलेगा वाई सच देट जी ऑफ वाई क्या हो जाए आपका जेड अब ये जो वाई है वो कहाँ पर है बी में सिंस वाई बिलोंगिंग टू बी एंड एफ इज ऑन टू देर फोर देयर एग्जिस्ट सम बिलोंगिंग टू कैपिटल ए सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए वाई के इक्वल अब देखिए यहाँ पर ये जो वाई आया था इसमें बी में तो यहाँ पर भी होगा अब जो ये है वाई बी में तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कोई ना कोई उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ए में क्योंकि एफ जो है वो ओन टू फंक्शन गिवन था हमें तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो गया आपका वाई सो वी कैन से दैट सो वी हैव क्या मिलेगा देखिए हमें एक तो इक्वेशन थी आपकी ये जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिया सो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जी ऑफ वाई वाई की वैल्यू है क्या एफ एक्स which is equal to z that is that is g of f of x jo is apkarya z hence hence we get x belonging to capital A a pre image of a pre image of z corresponding to corresponding to फंक्शन जी ओफ एफ देर फोर जी ओफ एफ इज ऑन टू नाउ सिंस जी ओफ एफ इज बोथ वन वन एंड ओन टू देर फोर जी ओफ एफ इज बाईजेक्शन यही हमें प्रू करना था क्लियर है इतना नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम फोर वो क्या कहती है देखिए लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी देन क्या कह रहे हैं वो एफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन जो है इक्वल रहेगा आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम बी टू बी ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू एफ दैट इज कम्पोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज़ द फंक्शन इट्सल्फ मतलब आप क्या कह रहे हैं कि फंक्शन की कम्पोजिशन ली लि, हमने ली किसके साथ में आइडेंटिटी फंक्शन के साथ में तो हमेशा फंक्शन इट्सल्फ रहता है अब यहाँ पर जो इसका प्रूफ देखते हैं उससे पहले i of a का क्या मीनिंग है ये हमने बता रखा है आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम सेट A टू A मीन्स इसका क्या मीनिंग है कि i a of x, वेयर x बिलोंगिंग टू A है तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी x ओनली ऐसे ही आई ऑफ यहाँ पर b का क्या मीनिंग है फंक्शन फ्रॉम b टू b और उसका मीनिंग क्या है यहाँ पर i b of x, वेयर x बिलोंगिंग टू b ये आपकी वैल्यू क्या आएगी x आएगी हमें शो करना है कि ये दोनों एफ के इक्वल हों सो पहले कंसीडर करते हैं कंसिडर कंसीडर एफ ऑफ आई ए ठीक है एफ जो फंक्शन है वो ए से बी तक है और आई ए जो फंक्शन है वो फ्रॉम ए टू ए है तो इसका मतलब एफ ऑफ आई ए जो फंक्शन रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा फ्रॉम सेट ए टू बी तक ए से बी तक दे रखा है और ये ए से ए तक है तो अल्टीमेटली जो फंक्शन आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा फ्रॉम ए टू बी नाउ लेट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है नाउ एफ ऑफ आई ए of x that will be equal to f of i a of x अभी हमने देखा है i a of x का क्या मीनिंग है सिंपली x तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स क्लियर इतना दैट इज एफ of आई ए वो आपका क्या आ गया फंक्शन एफ ही आ गया इसको स्टार नाम दे देते हैं

एलिमेंट देन आई बी ऑफ़ एफ ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू आई बी ऑफ़ एफ एक्स अब ये जो एफ एक्स है वो कहाँ पर है हर एफ एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल बी और हमने आई बी जो फंक्शन है वो कैसे पढ़ा था कि ये फंक्शन रहेगा फ्रॉम सेट पी टू बी मतलब आई बी जो है उसमें डोमेन आपका बी है और आपका जो रेंज सेट है वो भी बी है यहाँ पर हम देख रहे हैं एफ़ एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है कि भाई अच्छा ये आई बी ओफ यहाँ पर मान लो कोई भी जेड आता है तो ये अल्टीमेटली जेड ही आंसर देगा तो यहाँ पर हम देखें अगर एफ एक्स जो है वो जेड का, का काम करेगा तो आई बी ऑफ जेड क्या आएगा सिंपली जेड और वो है क्या आपका एफ एक्स दैट इज़ आई बी एफ ओफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज आई बी ओफ एफ जो है इसके इक्वल आ गया एफ के इसको इक्वेशन को हमने डबल स्टार नाम दिया फ्राम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट एफ ओफ आई ए विच इज इक्वल टू एफ विच इज इक्वल टू आई बी ओफ एफ हैंस रूट यही हमें प्रूव करना था यहां पर क्लियर है इतना नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम आई थिंक नंबर फाइव थ्योरम जो फिफ्थ वो क्या कहती है लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू B and G be the function from set B to A Two functions such that such that G of F equal to IA G of F identity function from set A to A then F is an injective and G is surjective then F is injective. एंड जी इज सरजेक्टिव हमें प्रूव करना है कि एफ जो है वो वन वन फंक्शन है और जी कैसा है आपका ओन टू फंक्शन है देखिए जी ओफ एफ जो है वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक रहेगा उसने कहा है कि वो आई ऑफ ए है मीन्स ये फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू ए ठीक है पहले हमें प्रूव करना है कि एफ जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन है हम करते हैं यहाँ पर वन वन शो करना चाहते हैं किसको एफ को एफ इज वन वन ऐसा शो करना चाहते हैं हमने लेट किया लेट एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू एफ जो फंक्शन हो कहाँ से कहा तक है ए से बी सो so एक्स वाई यहाँ पर हमने कंसिडर करने हैं एलिमेंट्स लेट एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल ए बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स सच दैट एफ़ ओफ एक्स इक्वल टू एफ ओफ वाई एक्स और वाई ए में इस तरीके के एलिमेंट्स हैं कि फंक्शन की वैल्यू एक्स पे और फंक्शन की वैल्यू वाई पे दोनों क्या है आपकी इक्वल अप्लाइंग जी ऑन बोथ साइड्स ये आ जाएगा जी ओफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओफ एफ ओफ वाई ऐसा क्यों देखिए एफ़ एक्स जो थी वो वैल्यू बी में आएगी और यहाँ पर हम देखेंगे ये भी बी है ये भी बी है तो जो जी फंक्शन है उसके लिए डोमेन सेट का, का काम कौन कर रहा है बी तो बी में जो भी एलिमेंट आएगा उसके कोरस्पोंडिंग जी फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देगा कहाँ पर ए में ठीक है ये ये आ गया अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज हमें गिवन है जी ऑफ एफ की जो वैल्यू है वो है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए इसकी वैल्यू सिंपली ए एक्स आएगी और इसकी वैल्यू सिंपली वाई आएगी हम लेके चले थे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है और हमने शो कर दिया एक्स इक्वल टू वाई हो गया देयर फोर एफ इज वन वन फंक्शन वन वन कहें या इंजेक्टिव कहें ए की बात है ठीक है अब हमें शो करना है कि जो जी फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है सर्जेक्टिव सर्जेक्टिव शो करने के लिए क्या करेंगे देखिए नाउ टू शो जी इज सर्जेक्टिव और वी कैन से ओन टू अब हमें जी को क्या शो करना है ओन टू जी जो फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ तक था फ्रॉम सेट पी टू एवन है एफ जो फंक्शन है वो सेट ए से लेके बी तक है अगर जी फंक्शन को ओन टू शो करना है इसका मतलब हमें ये शो करना पड़ेगा कि भाई आप इस ए से कोई भी एलिमेंट लीजिए उसके कोरोस्पॉ बी में कोई ना कोई प्री इमेज आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए ठीक है लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए हमने यहां से कोई भी एलिमेंट लिया लेट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमें शो करना है इसकी प्री इमेज बी में एग्जिस्ट करे अब देखिए क्योंकि एक्स जो है वो यहां से लिया है ए से और सेट यहां पर भी है अब अगर यहाँ से x लिया है तो वो x यहाँ पर भी है अगर x यहाँ पर है तो एफ ओ फ्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा b में लेट x बिलोंगिंग टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू b देर फोर एफ एक्स जो है वो आपका कहाँ एग्जिस्ट करेगा कैपिटल b में ठीक है हमने लेट कर लिया कि जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है y लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ट बिलोंग्स टू कैपिटल बी अप्लाइंग जी ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ जी अप्लाई करें जी ओ एफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ओ वाई अब वाई अगर आपका फंक् है तो जी ओफ वाई कहाँ जाएगा ए में जाएगा यह हो जाएगा विच एम्प्लाईज जी ओ एफ ओफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ओम्प्लाइज जी ऑफ़ एफ को हम क्या कह रहे थे आइडेंटिटी फंक्शन है कहाँ पर सेट ए के ऊपर विच इज इक्वल टू जी ऑफ़ वाई विच एम्प्लाइज आइडेंटिटी फंक्शन है इसका मतलब इसकी वैल्यू सिंपली क्या आएगी एक्स जी ऑफ़ वाई जी ऑफ वाई क्या है आपका एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या आई एक्स और ये एक्स हमने कहाँ माना था ए में देर फोर फोर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए

सिक्स वो क्या कहती है लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड जी बी द फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू एमें गिवन है सच देट सच देट एफ ओफ जी वहां पर जी ओफ एफ की बात थी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी देन

इज ऑन टू इज ऑन टू इम्प्लाइज दैट जी इज ओन टू ये कह रहा है कि अगर जी ओ फो है वो ऑन टू है तो शो करिए जी ओफ जी भी क्या रहेगा आपका ओन टू देखिए जी को ओन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है सी से कोई भी एक एलिमेंट आपको आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है और आप शो करोगे उसकी प्री इमेज कोई ना कोई बीमेल एग्जिस्ट करेगी लेट लेट जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल सी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमें शो करना है कि भाई इस जेड के कोरस्पोंडिंग जो है वो बी में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसको हम नाम दे सकते हैं मान लो वाई कि सच जी ऑफ वाई किसके इक्वल हो जाए जेड के इक्वल हो जाए अब देखिए क्योंकि जी ओफ एफ जो है वो हमें गीवन है वो क्या है आपका ओन टू है As g of f from A to C is onto and z belonging to C be an arbitrary element, therefore there exists some x belonging to capital A such that g of f of x जो है वो किसके equal रहेगा z के equal रहेगा क्योंकि g of x onto था इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर जी ओ फ से सी तक फंक्शन है और ये ओन टू है तो यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट लीजिए उसकी प्रीमेज एग्जिस्ट करेगी ए में तो हमने वो क्या मान लिया यहाँ पर इस केस में एक्स विच एम्प्लाइज जी ओफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू जेड अब यहाँ से क्या आया देखिए एफ एक्स जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट एक्स ए में था एफ ए से बी तक फंक्शन है तो एफ एक्स कहाँ जाएगा बी में दैट इज एफ एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल बी वी कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका बी में और उसको हमने क्या नाम दे दिया वाई विच एम्प्लाईज़ जी ओफ वाई इज इक्वल टू जेड वे आर बाई वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल बी देयर फोर देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड देयर फोर जी इज़ ओन टू फंक्शन जी कैसा फंक्शन हो गया आपका ओन टू फंक्शन सेकेंड पार्ट है इसका उसमें कह रहा है आपसे जी ऑफ़ एफ जो है फ्रॉम सेट ए टू सी जी ऑफ़ एफ फ्रॉम सेट ए टू सी इज वन वन ये फंक्शन कैसा है आपका वन वन तो ये इंप्लाई करेगा एफ फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन वन अगर जी ओफ एफ जो है वो वन वन है तो हमें शो करना है कि एफ फ्रॉम ए टू बी भी क्या रहेगा आपका वन वन रहेगा अब देखिए एफ जो है ए से बी तक वन वन शो करना है इसका मतलब हमें शो करना है कि यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए एक्स और वाई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई और वो एक्स और वाई इक्वल आ जाए हम लेट करते हैं लेट एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल ए बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ये हमने कंसिडर की है अपनी तरफ से एफ को वन वन शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं अप्लाइंग जी ऑन बोथ साइड्स वी गेट जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ वाई विच एम्प्लाई इसको लिख सकते हैं हम जी ऑफ़ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ़ ऑफ़ फाई सिंस जी ऑफ़ ओ इज़ वन वन फंक्शन सिंस जी ऑफ़ ओ इज़ वन वन फंक्शन ये एम्प्लाई करेगा एक्स और वाई क्या है आपके इक्वल दैट इज इफ एफ़ ओफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई देयर फोर एफ इज़ वन वन फंक्शन और यही हमें यहाँ पर शो करना था ठीक है थर्ड पार्ट है इसका उसमें कह रहा है कि जी ओफ एफ फ्रॉम ए टू सी जी ओफ एफ फ्रॉम ए टू सी एक फंक्शन है जो कि कैसा फंक्शन है ओम टू ये ओन टू फंक्शन है एंड जी फ्रॉम बी टू सी इज वन वन एंड जी फ्रॉम बी टू सी इज वन वन फंक्शन टू शो एफ फ्रॉम ए टू बी इज ओन टू टू शो एफ फ्रॉम ए टू बी इज ओन टू हमें शो करना है एफ जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी वो कैसा फंक्शन है आपका ओन टू इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें यह प्रूव करना है कि आप यहां से कोई भी एलिमेंट उठाइए उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ए में कोई ना कोई उसकी प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करती मिलेगी ठीक है ये हमें ऐसा शो करना है करें स्टार्ट लेट वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल बी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई जो है वो बी में कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने चूज किया ठीक है देन देखिए वाई जो है बी में है और बी से सी तक एक फंक्शन है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं जी इसका मतलब जी ऑफ वाई जो है आपका सी में एक्जिस्ट करेगा देन जी ऑफ वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल सी बट हमें गिवन है कि जी ऑफ़ एफ़ जो है फंक्शन है फ्रॉम ए टू सी जैस जो, जो कि क्या है ओन टू बट जी एफ़ फ्रॉम ए टू सी इज ओन टू और हमने कि यहाँ पर क्या लिया है कि भाई जी ऑफ़ वाई जो है वो सी के अंदर कोई एलिमेंट है इसका मतलब उसके कोरस्पोंडिंग ए में हमें कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिलेगी बट दिस इज ओन टू देर फोर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए Such that g of f of x that should be equal to g of y, Clear which implies g of fx is equal to g of y, but given g is 1, 1, but g is 1, 1 function. क्योंकि जी वन वन फंक्शन है इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या रहेगा आपका वाई के दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सो यहाँ से हमारे पास आया एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई वाई पर वाई कहाँ पर था हमारे पास बी में देर फोर देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए क्योंकि वाई आपका बी में था तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक्स मिल गया सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका वाई देर फोर वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई दैट इज एक्स इज प्री इमेज ऑफ वाई कोरस्पोंडिंग टू द फंक्शन एफ हैंस एफ इज ओन टू फंक्शन क्लियर है इतना इसका लास्ट जो पार्ट है वो और देख लेते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है उसमें जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी जी ऑफ एफ फ्रॉम सेट ए टू सी इज़ वन वन इज वन वन फंक्शन एंड एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू फंक्शन ये हमें गिवन है सारा कुछ हमें प्रूव करना है जी फ्रॉम बी टू सी टू प्रूव और टू शो जी फ्रॉम बी टू सी इज वन वन ये हमें शो करना है देखिए जी को वन वन शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि आप कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए बी से एक्स और वाई सच देट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई तो हमें शो करना पड़ेगा एक्स और वाई दोनों कैसे हो जाएं इक्वल हो जाएं. क्लियर है अब देखिए लेट ट x कोमा y बिलोंगिंग टू कैपिटल बी बी एलिमेंट सैट g ओफ x इज इक्वल टू g ओ y ठीक है हमने x और y B से दो एलिमेंट लिए किस तरीके से कि भाई जीओ x जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा g ओफ y के ठीक है अब क्योंकि एक्स और वाई कहाँ पर हैं आपके बी में और आप देखोगे फंक्शन एफ़ है वो कहाँ से कहाँ तक है ए से बी तक तो अगर आप बी से कोई भी एलिमेंट लेते हो एक्स और वाई उसके कोरोस्पॉिंग आपको ए में उनकी कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिलेगी इसको हम यहाँ पर इक्वेशन स्टार ले लेते हैं एफ़ एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल बी एंड एफ़ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी च इज़ ओन टू देर फोर देर एग्जिस्ट एक्स वन कोमा वाई वन बिलोंगिंग टू कैपिटल ए सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ वाई वन इज इक्वल टू वाई क्योंकि एफ ओन टू फंक्शन है तो इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट उठाते हो उनकी प्रीमियज यहाँ एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पर जो एलिमेंट लिए थे वो हमने एक्स और वाई लिए थे तो उनकी प्री इमेजेस को हमने मान लिया एक्स वन और वाई वन सो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स हो गया और यहाँ से एफ ऑफ वाई वन क्या हो गया आपका वाई फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट क्या मिलेगा हमें देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू को एफ वन और वाई की वैल्यू को एफ वाई वन से रिप्लेस करिए प्लाइज जी ओफ एफ ओफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ओफ एफ ओफ वाई वन विच एम्प्लाइज जी ओ फस वन इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ वाई वन अब जी ओफ एफ कैसा फंक्शन था हमारा वन वन फंक्शन था ठीक है सो यहाँ से क्या आ गया x1 वन इज इक्वल टू since g of f is फन वन function ये आपका वन वन function हो गया अब एक्स वन की वैल्यू है क्या हमारे पास आप देखोगे तो वो है एक्स hai जो है आपका वो कहाँ से है एलिमेंट अब ए से अब हमें क्या शो करना है कि आपका जो g फंक्शन है वो कैसा हो जाए वन वन फंक्शन हो जाए इसका मतलब हमें शो करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल हो तो यहां पर देखिए, एक्स वन और वाई वन है इनको एक्स और वाई बनाने के लिए क्या करेंगे अप्लाइंग एफ ऑन बोथ साइड्स अप्लाइंग एफ ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ एफ अप्लाई करें तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई वन विच एम्प्लाईज एफ ओफ एक्स उसकी वैल्यू है x और f ऑफ वाई वन उसकी वैल्यू है y Therefore therefore g of x is equal to g of y implies that x is equal to y. therefore g is one 1 function hence true.